Hello, hello, hello. Hi everyone. Welcome back to my channel and welcome back to yet another quirky video. आज हम hashtag quirky haul करने वाले हैं but it is not gonna be like my usual hauls because this is gonna be a very different kurti haul from this brand called Loom. Now इस brand को ना मैंने social media पे on and off बहुत ज़्यादा देखा है and I've seen celebrities like Karishma Kapoor, Kareena Kapoor, even Alia Bhatt and Kiara Advani wearing these outfits and उनके बहुत सारे pap photographs मैंने देखे हैं and I have worked with Loom on a barter like मैं अपनी Japan trip में वो बहुत सुंदर व्हाइट कुर्ती सेट पहन के गई थी विद रेड फ्लावर्स ऑन इट एंड आई लव्ड इट सो मच आई फेल्ट सो कंफर्टेबल इन इट एंड मैंने सोचा कि व्हाई नॉट पुट दिस ब्रांड अंडर द क्वर्की माइक्रोस्कोप एंड आप लोगों को एक हॉल दिया जाए दिखाने के लिए कि इनकी क्या वैरायटी आई है नई समर कलेक्शन की. दिस ब्रांड इज सो डिफरेंट. दे हैव दिस सॉफ्ट देसी पिंटरेस्टी वेरी फेमिनिन पेस्टल एंड रंग बिरंगी वाइब टू देम. सो आई रियली होप यू गाइस आर एक्साइटेड फॉर दिस वेरी प्रिटी हॉल. विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके जी लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द पैकेजिंग एंड होल वाइब ऑफ द ब्रांड. जब मैंने ये ऑर्डर किया मुझे सारे प्रोडक्ट्स इस डब्बे में रिसीव हुए थे. इनकी जो ये पैकेजिंग है ना इसमें लिखा हुआ है दैट दिस बैग इज मेड फ्रॉम प्लांट एक्सट्रैक्ट्स एंड इनका जो अंदर भी प्लास्टिक की पैकेजिंग निकलती है इसमें भी मैंने सब कुछ देखो संभाल के रखा हुआ है. इसमें लिखा हुआ है आई एम नॉट रेगुलर प्लास्टिक. सो दिस इज एन ऑक्सो बायोडिग्रेडेबल बैग विच इज डेफिनेटली एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड इट इज 100% कंपोस्टेबल इको फ्रेंडली बैग. इट विल प्रिजर्व बोथ ऑफ योर न्यू गारमेंट एंड द एनवायरमेंट. वाओ दैट इज ग्रेट. नाउ द लूम एज अ ब्रांड एसेंशियली focuses on Indian ethnic wear and they offer outfits for every occasion and mood. They originated in 2016 and I told you guys it has become the go-to celebrity brand and I've also seen a lot of influencers wearing Loom outfits. What I absolutely love about their shopping experience is that unki site ka jo interface hai wo kafi easy to use hai and unhone kurte bahut acche acche angle se model ke upar try karaye hue hain. They have sizes up to double XL which is something that I like because mujhe medium size aata hai. A lot of the brands jo main pehanti hu mujhe L ya XL aata hai. So upon order मेरे को ये प्रोडक्ट्स 3 to 5 बिजनेस डेज के अंदर मिल गए विच इज प्रिटी गुड. एंड इनके हर कलेक्शन के ना थोड़े थोड़े थीम्स होते हैं तो इस बार का थीम है फूल मंडी विच आई डेफिनेटली लव. मुझे फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद है. आज का मेरा वाइब गेंदा फूल जैसा है. सो लेट्स स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट आइटम दैट आई वांट टू शो यू गाइस. दिस इज एन एब्सोल्यूट फेवरेट. मैंने इसको अपने आई थिंक सरोजनी हॉल में पहना था एंड आई केप्ट गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस कि ये वाली कुर्ती कहाँ की है. इसमें अनार बना हुआ है एंड आई डेफिनेटली लव दिस कलर कॉम्बिनेशन. सो एज यू गाइस कैन सी मुझे लूम का मीडियम साइज आता है एंड इसका गला मुझे बहुत ज्यादा प्यारा लगता है. लाइक द नेकलाइन इज सो मॉडेस्ट येट वेरी वेरी क्लासी एंड आई लव द फैक्ट दैट दे पुट एक्स्ट्रा एफर्ट इनटू पाइपिंग एंड एम्ब्रॉयडरी. लाइक ज्यादातर जो लूम के कुर्ते होते हैं ना वो बहुत सुंदर सुंदर प्रिंट्स में होते हैं कॉटन में होते हैं सो द फैब्रिक इज रियली समर फ्रेंडली. बट इसके ऊपर जो बहुत अच्छे अच्छे ऐसे कटआउट वर्क दिया हुआ है लाइक दिस एंड इसके नेक के पास भी जो ये डिटेल्स है इवन ऑन द स्लीव्स हमेशा इतनी सुंदर सुंदर कुछ ना कुछ फ्रिल्स एंड नेट वाली डिटेल लगी होती है. आई रियली रियली लाइक दिस एंड इसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी है कि अगर आप इसको पहनते हो तो आपकी बाजू पे चुभती नहीं है. कभी कभी ये भी होता है जब आप ऐसे सूट्स लेते हो तो वो बहुत अच्छे होते हैं कॉटन में होते हैं बट ये जो डिटेल्स होती हैं वो स्किन को इतना चुभने लगती है एंड इट इज अ हेडेक इन द समर टाइम बट इट इज नॉट द केस विद लूम वाले जो कुर्ते होते हैं. मैंने आई थिंक पर्सनली लूम से अपनी जोधपुर की ट्रिप लास्ट ईयर जो मैंने इसी टाइम के अराउंड की थी वहां भी एक ब्लू बहुत सुंदर कुर्ती पहनी थी एंड राजस्थान की गर्मी लेट मी टेल यू इज क्रेजी एंड आई फेल्ट सो कंफर्टेबल सो ब्रीजी जब मैं वहां के महल में घूम रही थी. मैंने ज्यादातर फ्लोरल प्रिंट्स देखे हैं बहुत अच्छे अच्छे पोलका डॉट्स ये वो ज्योमेट्रिक प्रिंट्स देखे हैं बट आई हैव नेवर सीन समथिंग दैट हैड फ्रूट्स इन इट एंड इसमें बहुत प्यारा से अनार टाइप की वाइब दी गई है. दे ऑल्सो पुट एक्स्ट्रा थॉट्स इन देयर बॉटम्स. लाइक अगर आप इसका बॉटम का ऊपर का हिस्सा देखो यहाँ पे आपको ये स्ट्रिंग नारा टाइप का दिया गया है एंड दिस डिटेल लाइक नो वन इज गोना सी दिस डिटेल बट मी हु इज वेयरिंग इट बट इट जस्ट मेक्स द होल एक्सपीरियंस वेरी वेरी आई डोंट नो व्हाट टू से वेरी प्लेजेंट एंड ऐसा लगता है कि ब्रांड ने अटेंशन टू डिटेल डाली है. आई रियली लाइक दैट पीछे से ये एडजस्टेबल है बट आगे से अगर आप पहनोगे एक सीमलेस इफेक्ट देगा कुछ भी ऐसे खुरदरी सी वाइब नहीं आएगी. मोस्ट ऑफ द कुर्तीज जो कि लूम की होती है कुर्ती के अंदर ही बहुत ही अच्छी डीप पॉकेट्स होती है. इवन दिस वन हैज इट एंड दे जस्ट डोंट हैव वन पॉकेट बट टू पॉकेट्स दोनों साइड में विच मेक्स इट सुपर कन्वीनियंट अगर आपको कुछ भी कैरी करना है. सो आई फील लाइक लूम एज अ ब्रांड उन्होंने जो भी लड़कियों को प्रॉब्लम होती है विद रिगार्ड्स टू फिटिंग या फिर अगर लेस डिटेल हो वो चुभने वाली हो या फिर डीप नेक्स हो एंड फैब्रिक कैसा हो इवन हम लोगों को इतनी प्रॉब्लम होती है कि हमारे कपड़ों में पॉकेट्स नहीं होती हैं तो उन्होंने दो दो प्रोवाइड की. सो आई पर्सनली फील लाइक जितना मेरा एक्सपीरियंस रहा है दे हैव ट्राइड टू टिक मार्क एवरी प्रॉब्लम एंड सॉल्व एवरी प्रॉब्लम दैट एन इंडियन गर्ल हैज विद रिगार्ड्स टू एथनिक क्लोथिंग. वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स अबाउट दी सूट सेट्स आर द दुपट्टास. द चुन्नीज आर सो नाइस एंड एयरी लाइक लुक एट दिस. दिस गिव्स सच अ प्रिटी वाइब. आजकल ऐसे टाइप के टिश्यू फैब्रिक्स इतने ज्यादा चल रहे हैं जो कि थोड़े से अकड़े होते हैं थोड़े से जैसे हवाएं चलती हैं तो उड़ने लगते हैं वैसे टाइप की वाइब होती है एंड यू गाइस कैन सी यहाँ पे भी अटेंशन टू डिटेल. साइड में बहुत ही प्यारा बॉर्डर दिया गया है टू मैच विद द वाइब ऑफ द सूट. ऐसे टाइप के जो गार्मेंट्स होते हैं मुझे बहुत पुश करते हैं टू गो आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन
yet feel very comfortable. Now let me show you guys another pink, very pretty suit set that I got from Loom, and I feel like out of all the things, this is I think my number one, because ek to iska fit mujhe bahut zyada pyara laga, also because I have a personal like soft side towards tulips. Mujhe tulips bahut zyada pasand hai as flowers, and isme aas pass pure tulips bane hue hain, and ye na bilkul waisa wala pink nahi hai, it has low key thoda lavender sort of vibe jo mere bedroom mein aap logo ko dikhega. Jo fabric hai wo cotton hai, to bilkul bhi skin mein chupta nahi hai, and iske upar jo embroidery bhi ki hui hai na, ye bahut hi pyare white material ki gayi hai, jo ki bahut sari layers mein aata hai. Like every line you see is a different pattern altogether, but it makes sense jab aap isko aise bilkul pehante ho na. It just gives it a very pretty and feminine oomph. Here is the sleeve detailing. Yahan pe bhi aapko jo gale mein same type ke borders aa rahe the waise hi dikh rahe hain, and I particularly like this one jisme aise leaflets se nikal rahe hain. It just gives it very aise khila khila sort of vibe, jo ki phool mandi se of course inspired hai. Mujhe to ye bilkul tulip feel lag rahi hai, jaise wo Rekha and Amitabh Bachchan ka gaana nahi tha, dekha hai khwab to ye silsile hue, dur tak nigahon mein hai gul khile hue, wo bilkul aise tulip feel wala pura all over aapke kurte mein jaati hai. Like yahan se leke niche border tak, even jo aapke yahan pe slit hoti hai साइड में कुर्ती की, वो भी यहाँ पे लाइंड है, विच इज सो 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 गुड. लाइक बिल्कुल ऐसा लगता है कहीं से भी कुर्ता ना इनकम्प्लीट नहीं है, एवरीथिंग इज जस्ट गेटिंग अलोंग लाइक अ सॉन्ग. तो जिन कुर्तीज में वहां पॉकेट नहीं है, वहां उनके बॉटम्स में जरूर पॉकेट्स हैं. दे ऑलवेज हैव दीज टू बिग डीप पॉकेट्स, विच इज सच अ रिलीफ फॉर अस गर्ल्स. आई ऑलवेज फील लाइक जो हमारे लिए बॉटम्स होते हैं ना, वो कंपनीज ठीक से नेल नहीं कर पाती है. ऑलवेज ऑलवेज दिस हैपेंस कि क्रॉच एरिया में अजीब सा एक खिंचावट सी होती है, एंड इसके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती है. इसका आसन बहुत ही सही दिया गया है, एंड कहीं से भी खिंचता नहीं है. ऑल्सो ये जो डिटेल यहाँ पे दी गई है कुर्ते की, वो आपके नीचे इसके बॉटम में आते हैं, एंड यू हैव दिस वेरी ब्यूटीफुल सॉर्ट ऑफ वी इफेक्ट. यहाँ पे फिर से हमारी जो बहारे हैं वो वापस आ गई है. लुक एट दिस ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल दुपट्टा. इसमें भी यहाँ पे साइड में व्हाइट डिटेल दी गई है लाइक दिस, बट ओ माई गॉड लुक एट दैट. फिर से हमारे ट्यूलिप्स हमारी जिंदगी में वापस आ गया, एंड आई रियली रियली लव हाउ दिस फिट्स. लाइक आप ट्राई ऑन पार्ट में देखोगे, इट लुक सो ब्यूटीफुल. मुझे इस कुर्ते की फिटिंग मेरे ऊपर पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा अच्छी लगी है. इफ यू आर अ गर्ली गर्ल लाइक मी, एंड इफ यू लव देसी गर्ल एस्थेटिक, आप लोगों को मुझे कमेंट करके जरूर बताना होगा कि इन दोनों पिंक कुर्तीज में से आपको कौन सी सबसे ज्यादा अच्छी लगी, द अनार वन और द ट्यूलिप वन. आई पर्सनली हैव अ सॉफ्ट साइड टुवर्ड्स द ट्यूलिप वन, बट लेट मी नो योर थॉट्स, आप इनमें से कौन सी वाली लेना पसंद करोगे. द नेक्स्ट कुर्ती समथिंग जिसमें मुझे डेफिनेटली बहुत ज्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, एंड इससे पहले कि आप ये वाला कमेंट करो, मैं बता देती हूँ, ये वाला जो मैंने कुर्ता या सूट पहना हुआ है ये भी लूम से है, एंड इट इज आई थिंक मेरे टॉप थ्री में ये भी आता है, बिकॉज ओ माई गॉड दिस इज द परफेक्ट येलो कलर जो मुझे पसंद है. इन द मिडल एकदम बिल्कुल जो स्वीट स्पॉट होता है ना, बिल्कुल वो वाला कलर है, एकदम गेंदा फूल वाला है. आई जेन्युइनली जेन्युइनली लव इट. गेंदा फूल भी नहीं, आई वुड कॉल इट मैंगो कलर, एंड दिस इज सो ब्यूटीफुल, बिकॉज मुझे इसके जो स्लीव की डिटेल है ना वो बहुत ज्यादा प्यारी लगी है. इट इवन हैज अ वेरी डिफरेंट नेक टू समथिंग दैट आई वेयर. आई ऑलवेज वेयर राउंड नेक्स, बट इस बार मैंने एक्सपेरिमेंट किया विद द स्टाइल एंड द कलर्स. लाइक आप ज्यादातर मुझे चटक कलर्स में देखोगे, बट इस बार मैंने बहुत ही सटल एंड क्लासी कलर्स रखे हैं अपनी कलेक्शन को थोड़ा और इंप्रूव करने के लिए, एंड दैट इज वाई आई डेफिनेटली लव दिस वी नेक, जिसमें यहाँ पे भी यही कटआउट्स वाली डिटेल है, एंड यहाँ पे बिल्कुल क्लीवेज दिखने का डर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे उन्होंने थोड़ा सा ऐसे क्लॉथ भी ऐड किया हुआ है. नीचे जाते जाते जो मुझे स्लीव्स में इसका बेस्ट पार्ट लगा, वो आपको नीचे बॉटम पे भी मिलेगा ये फ्लेयर. लाइक लुक एट दिस, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल जाल, एंड इतना ज्यादा सुंदर यहाँ पे काम किया गया है. अगेन ये बिल्कुल नहीं चुभता है, विच इज अ वेरी बिग रिलीफ फॉर मी. मुझे ऐसे चुभने वाले क्लोथ्स सर्दियों के टाइम पे तो चल जाते हैं, बट गर्मियों के टाइम पे मेरी हालत टाइट हो जाती है. सो आई रियली लाइक दैट दिस इज अ वेरी सूदिंग मटीरियल. यहाँ पे ऐसे कॉटन डोबी फैब्रिक का ये बना गया है, जिसमें छोटे छोटे ऐसे आपको डॉट्स पोलका डॉट सॉर्ट ऑफ दिखेंगे, एंड इट इज सो नाइस जब आप चलते हो, आप पे धूप पड़ती है, लाइक आप डे टाइम पे बाहर जाओगे, सो इट हैज सर्टन सॉर्ट ऑफ 3D इफेक्ट टू इट, विच आई डेफिनेटली लव. एंड आई ऑल्सो लव दिस दुपट्टा राइट हेयर. ऑल्सो यू गाइज, अगर आपको इनकी वेबसाइट से शॉप करना है, फील लाइक सर्टन आउटफिट्स डू नॉट कम विद दुपट्टा, सो समथिंग टू कीप इन माइंड, जब आप जाओ तो देख लेना कि किस आउटफिट के साथ दुपट्टा है, किसके साथ नहीं है, कहां से आपको एक्स्ट्रा परचेज करना पड़ेगा. आई डेफिनेटली फील लाइक इसकी पूरी जो शो आती है ना, वो दुपट्टे के साथ ही आती है, बिकॉज देयर दुपट्टाज आर अ नॉवेल्टी. आई इवन फील लाइक ब्राइड टू बी, अगर आप घर के अंदर हल्दी वाला फंक्शन कर रहे हो, एंड इफ यू आर हैविंग अ वेरी स्मॉल एंड इंटीमेट एंड क्यूट वेडिंग, लाइक आई पर्सनली फील लाइक दोज वेडिंग्स आर द बेस्ट. सो आप ऐसे अपने घर वालों के साथ पहन के जिस दिन आपको हल्दी वल्दी लगनी है पहन सकते हो, बिकॉज दिस इज सो नाइस. ये हल्दी चंदन वाला बिल्कुल संतूर संतूर इफेक्ट दे रहा है मुझे. ऐसे टाइप की चीजों के साथ, व्हाइट एक्सेसरीज के साथ ये वाला बहुत अच्छे से मैच कर सकते हैं, एंड इट विल जस्ट मेक योर होल लुक. देन द नेक्स्ट वन आई हैव इज ऑल्सो वेरी वेरी समर अप्रोप्रिएट. आई लव वेयरिंग व्हाइट ड्यूरिंग द समर टाइम, बट अगर उसमें एक बहुत अच्छा एक्वा सॉर्ट ऑफ इफेक्ट आ जाए ना, तो और ज्यादा ऐसे वॉटरी एयरी एंड कूल ब्रीजी फिनिश होने लगती है. सो जैसे ही मेरी आंख इस पे पड़ी, मेरे को इसे प्यार हो गया. एक तो इसका वैसे ही वी नेक है जैसा इसका है, बट इट डेफिनेटली हैज अ सर्टन अमाउंट ऑफ
ऑफ लेस टू इट. लाइक आप देख सकते हो इसमें मैश के ऊपर बहुत सुंदर ऐसे काम किया गया है. इट हैज दिस ओम्ब्रे वाइब विच गोज फ्रॉम व्हाइट टू दिस एक्वा ब्लू कलर. लाइक बिल्कुल ऐसे सियान सॉर्ट ऑफ वाइब है इसकी. एंड लुक एट दैट, दिस इज सो नाइस. एक तो पूरा अनारकली सॉर्ट ऑफ सिलुएट में है एंड इसके अंदर बहुत छोटी छोटी डिटेल दी गई है जो कि एक ट्रू लाइक एथनिक सूट लवर ही अप्रिशिएट कर पाएगा. एंड देन यहाँ पे जहाँ पे कट शुरू होता है, सिलाई शुरू होती है ना इस फैब्रिक की, जाते जाते इतना सुंदर अनारकली में तब्दील हो जाता है. बहुत प्यारा ये ब्लू कलर बन जाता है. एंड एज आई टोल्ड यू, ये सारे कुर्ते आई रियली लव द फैक्ट दैट लाइनिंग के साथ आए हैं. एज यूजुअल ये जो अनारकली वाले कुर्ते होते हैं उनमें दो डीप पॉकेट्स होती है. एंड जस्ट हाउ डीप दिस इज यू गाइस कैन सी फ्रॉम दिस. लाइक इतनी पूरी पॉकेट ही पॉकेट है. एंड दैट इज व्हाई आई रियली लव वेयरिंग दीज आउटफिट्स. आई एम प्लानिंग टू डू अ होल लाइक लुक बुक सॉर्ट ऑफ थिंग्स में मैं आप लोगों को ये आउटफिट्स ना पूरे ऊपर से नीचे तक स्टाइल करके दिखाऊं. सो आई विल डेफिनेटली बी डूइंग दैट इन माय शॉर्ट्स. लेट मी नो इफ दिस इज समथिंग दैट इंटरेस्ट यू गाइस. ये वाला जो है ये मलमल का कुर्ता है एंड मलमल इज सच अ नाइस फैब्रिक टू वेयर ड्यूरिंग द समर टाइम. मैंने बहुत ज्यादा मलमल के साथ एक्सपेरिमेंट नहीं किया है एंड दैट इज आई रियली वॉन्टेड टू एड दिस इन माई कलेक्शन. आई थिंक दिस इज समथिंग दैट आई डोंट रियली हैव. आई एम रियली एक्साइटेड टू बी ट्राइंग दिस. इसके साथ मैंने ये दुपट्टा मंगाया है. ये जो फैब्रिक है ना ये कुछ ऐसी रिंकल्ड सी वाइब देता है विच इज सो नाइस. मुझे तो लगता है ये बहुत ही अच्छी वाइब है बिकॉज इसको बहुत ज्यादा इस्त्री मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ऑल्सो वन मेंशन एंड कुडोज टू द ब्रांड बिकॉज ये वाले चुन्नी इज लाइक सो लंबी. लाइक आई ऑलवेज स्ट्रगल विद द लेंथ ऑफ दुपट्टाज व्हेन आई ऑर्डर अ सूट सेट. लाइक जितने भी महंगे मैं मंगा लूं, मैंने 4,000-5,000 के भी सूट्स मंगाए हुए हैं फॉर वेडिंग्स, बट वो हमेशा अपनी कॉस्ट कटिंग दुपट्टे में ही करते हैं. दुपट्टा इतना छोटू सा निकलता है एंड बिल्कुल मजा नहीं आता है. बट जितने भी दुपट्टे इन सूट्स के साथ मैंने मंगाए हैं वो बहुत ही अच्छी लेंथ के हैं एंड पूरा मेरी बॉडी के अराउंड रैप हो जाते हैं विच इज डेफिनेटली समथिंग दैट आई वुड अप्रिशिएट. आई वॉन्टेड टू ऑर्डर अनदर वाइट कुर्ती बट अ लिटिल डिफरेंट. लाइक हमेशा मैं कुछ गोल्डन इफेक्ट के साथ ऑर्डर करती हूँ या फिर कलर में ऑर्डर करती हूँ, बट आई वॉन्टेड दिस वाइट कुर्ती जिसमें बहुत सुंदर ऐसे सिल्वर धारियां एंड इफेक्ट्स हैं. एंड ट्रस्ट मी व्हेन यू वेयर इट एंड जब आप बाहर निकलते हो लाइट में, द लाइट रिफ्लेक्शन ऑन दिस वन इज क्रेजी. लाइक आई मीन क्रेजी, माइंड ब्लोइंगली क्रेजी. एंड दैट इज व्हाई आई लव 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 हाउ इट मेक्स मी फील वेरी लिक्विडी मेटालिक सॉर्ट ऑफ एंड इट इज लाइक हाई ग्लैम. सो इसका ऐसे राउंड नेक है एंड यहाँ नीचे बटन दिए गए हैं, बट यू गाइस कैन सी ये वाली जो धारियां हैं वो प्रॉपर नीचे तक जाती है, बिल्कुल नीचे तक. एंड आई लव द फैक्ट दैट लूम के जो कपड़े हैं वो धुलने के बाद भी आपको पता चल जाएगा कि लो क्वालिटी नहीं है. दे आर गोना लास्ट यू फॉर इयर्स. एंड ऑन मे ट्रैन पार्ट में आप लोग देखोगे इसकी स्लीव में भी सेम वही फैक्ट दिया गया है, सिर्फ आगे नहीं पीछे की साइड भी. लाइक दिस इज अ होल वाइब. एंड देन यहाँ पे छोटा छोटा वही अटेंशन टू डिटेल जो लूम का ट्रेडमार्क, आई फील लाइक लूम की बहुत बड़ी स्पेशलिटी है कि वो इतने सुंदर वाइट धागे की एम्ब्रॉयडरी या लेस या सम वेरी क्यूट फ्लोरल फ्रिल वाली थीम अपने साथ लेके आते तो आपको वैसे खिला खिला समर सॉर्ट ऑफ इफेक्ट आ जाता है. आई नेवर हैड समथिंग लाइक दिस जो कि इतना ज्यादा व्हाइट हो एंड इतना ज्यादा सिल्वर हो. दिस इज अ वेरी ऑड कॉम्बिनेशन फॉर मी. इसकी वाली जो पॉकेट्स है वो आपको इस पैंट के अंदर मिलेंगी. दीज आर द डीप पॉकेट्स. एंड क्योंकि इसकी वाइब प्रॉपर व्हाइट एंड सिल्वर है तो यहाँ इसके बॉटम पे ये सिल्वर सॉर्ट ऑफ गोटा पट्टी सी लगाई गई है. ये वाला जो दुपट्टा है इसमें भी ऐसे ही सिल्वर गोटा पट्टी लगाई गई है एंड ये भी वो ऐसे बंद के ही आई हुई थी जिसमें अगर आप ऐसे खोलोगे तो आपको थोड़ा सा रिंकल्ड सॉर्ट ऑफ इफेक्ट दिखेगा विच मेक्स इट वेरी वेरी समर अप्रोप्रिएट. आई फील लाइक ये बहुत ही ज्यादा प्यारी लगती है एंड इसको ना बहुत अलग अलग तरह से आप लेयर कर सकते हो. आई लव दैट द साइड हैज अ लॉट ऑफ वैरायटी. लाइक आपके पास अनारकली सूट्स है, थोड़े फ्रॉक टाइप के शॉर्ट वाले सूट्स है एंड यू ऑल्सो हैव दीज वेरी प्रिटी स्लिट वाले ए लाइन कुर्ते. एंड देयर इज लाइक 20,000 प्रोडक्ट्स टू चूज फ्रॉम अकॉर्डिंग टू योर स्टाइल, योर बॉडी टाइप. ऑल्सो आपको डेली वेयर एज वेल एज फेस्टिव या फॉर्मल वेयर के लिए हर तरह के रिक्वायरमेंट के लिए कपड़े मिल जाएंगे. एंड वन सच आइटम दैट आई फील लाइक वर्क वेयर के लिए एंड नॉर्मल डेली वेयर के लिए अच्छा रहेगा वॉज दिस क्वाड सेट दैट आई गॉट. आई रियली वॉन्टेड कि मैं आपको अलग अलग वैरायटी दिखाऊं. सो मैंने डिफरेंट ओकेजन्स, डिफरेंट सिलुएट्स, डिफरेंट स्टाइल्स आप लोगों के लिए ऑर्डर किए हैं सो दैट यू गाइस गेट अ फुल वैरायटी के आपको क्या पसंद आ सकता है इस वेबसाइट से इन केस यू वांट टू शॉप. अपार्ट फ्रॉम दीज आउटफिट्स बीइंग वेरी कंफर्टेबल एंड जो इजी डिलीवरी हो गई, इन केस अगर आपको कुछ फिट नहीं होता है दे हैव अ वेरी इजी एक्सचेंज एंड रिटर्न पॉलिसी विच इज अ बिग थम्स अप. सो दिस इज आवर लास्ट आइटम इन द हॉल. एंड आप लोगों को पता है कि आजकल मुझे क्वाड सेट्स बहुत ज्यादा अच्छे लगने लगे हैं. इवन इन थाईलैंड आई वोर अ प्रिंटेड क्वाड सेट एंड दिस इज माय न्यू पैशन प्रोजेक्ट इस समर में. इंकत प्रिंट इज वन ऑफ माय फेवरेट्स. लाइक आई लव दिस बंद गला सॉर्ट ऑफ वाइब जो कि ऑफिस वेयर में भी अच्छा लगेगा. इन केस यू वांट समथिंग लाइक दिस जो कि बहुत इजी हो, लाइक वेरी लाइट ब्रीदेबल फैब्रिक. सो यू गाइस कैन सी ये वाइट बेस के ऊपर है, इसके अंदर ये बंद गला सॉर्ट ऑफ वाइब दी गई है विद बटन्स राइट हियर. एंड इसके अंदर बहुत सुंदर ऐसे ब्लू एंड येलो सॉर्ट ऑफ प्रिंट है. आई फील लाइक ये बहुत ज्यादा बिजी आउटफिट हो सकता था बट सिंस इसकी स्पेसिंग बहुत अच्छी तरह की गई है, लाइक इट इज नॉट लाइक एकदम पास वाला छोटे छोटे प्रिंट्स वाला, सो दैट इज वाई फील लाइक टू द आई इट फील्स वेरी ब्रीदेबल एंड वेरी क्लासी. इसमें क्लासिक 3/4 स्लीव दी गई है जो मुझे पर्सनली अपनी बॉडी टाइप के ऊपर
और बहुत ज्यादा अच्छी लगती है ड्यूरिंग द समर टाइम. एंड ऑल्सो बिकॉज ज्यादातर आप या तो गर्मी में होते हो या फिर एकदम से आप किसी कॉफी शॉप भी जाओ तो वहाँ एसी चला होता है, ऑफिस में एसी चला होता है. सो ये जो फैब्रिक है ये ब्रीदेबल है गर्मी के टाइम पे, बट अगर आप एक एसी वाली जगह जाओगे तो यही लंबी स्लीव्स आपको प्रोटेक्ट भी करने वाली है. एंड इट हैज सॉर्ट ऑफ लाइक दिस सिंच टू इट जो कि बहुत अच्छा आपकी बाजू पे फॉल करता है, विच आई लव डेफिनेटली. ऑल्सो इसको आप एक शॉर्ट कुर्ती की तरह भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे छोटा सा स्लिट दिया गया है. एंड आई कैन ऑल्सो पेयर इट विद जीन्स विद स्कर्ट्स, बहुत अच्छा अच्छी तरह से मैं इसको स्टाइल कर सकती हूँ. एकदम ऐसे आइडियाज पॉप कर रहे मेरे हेड पे, बट डेफिनेटली लव विद द शर्ट वाइब ऑफ दिस वन. एंड इसके साथ सेम क्योंकि क्वाड सेट है तो सेम ही होगा. यहाँ पे एकत प्रिंट वाली पैंट दी गई है, अगेन यहाँ पे आपको स्ट्रेट ये मिलेगा, पीछे से आपको इलास्टिक मिलेगा, एंड यू ऑल्सो हैव दीज डोरीज राइट हियर. आई फील लाइक दे हैव नेल्ड द साइजिंग ऑन इट. एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट मेरी 5'2" की शॉर्ट हाइट को भी ये बिल्कुल अच्छे से आ गया. लाइक इसको मेरे को बिल्कुल एडजस्ट एंड ट्रिम वगैरह कराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल वही मेरे एंकल पे खत्म होता है, विच इज ग्रेट. एंड देन अगेन लूम है तो पॉकेट्स कहीं ना कहीं तो आपको मिल जाएगी. आई वॉज ट्राइंग टू फाइंड इट इन दिस वन बट नहीं मिली, बट ये जो आपका टॉप है उसी में आपको बड़ी बड़ी ये पॉकेट्स मिल रही है, विच इज डेफिनेटली समथिंग जिसके अंदर आप अपना फोन चार्जर ये वो रख सकते हो, वेकेशन पे पहन सकते हो, ऑफिस में पहन सकते हो, डेली लाइफ में पहन सकते हो. सो दिस इज समथिंग दैट इज अ मस्ट हैव. आई रियली रियली ओवरऑल लव्ड द क्वालिटी ऑफ लूम प्रोडक्ट. इट ट्रूली फील्स लाइक उन्होंने अटेंशन टू डिटेल तो डाला ही है, बट ऑल्सो दे हैव डन द रिसर्च. यू गाइस ऑलवेज आस्क मी के फास्ट फैशन के अलावा अगर आप सस्टेनेबिलिटी की साइड जाना चाहो तो कौन से ब्रांड्स हैं जो हम अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं, एंड आई थिंक लूम इज वन सच ब्रांड. नाउ सस्टेनेबिलिटी अगर आप अपनी लाइफ में इंक्लूड करना चाहते हो तो आपको फास्ट फैशन वाले प्राइसेस नहीं मिलते हैं. सो अगर आपको कोई और वेबसाइट पे 800, 600, 200 के कुर्ते मिल रहे हैं, मीशो वगैरह पे, मिंत्रा वगैरह में, सो यू कांट एक्सपेक्ट कि जो चीज आप सस्टेनेबली लेना चाह रहे हो, जो आप सालों साल चलाने चाह रहे हो, वो आपको सेम प्राइसेस पे मिल जाए. एंड दैट इज वाई अगर आप ऐसी क्लोथिंग लेना चाहते हो जो हाई क्वालिटी फैब्रिक की हो तो आपको थोड़ा ज्यादा पे करना पड़ता है, बट इट इज सॉर्ट ऑफ एन इन्वेस्टमेंट जिसमें आप बहुत ज्यादा चीजें होल्ड नहीं कर रहे हो अपने पास, एंड देन आप इन्हीं चीजों को सालों साल तक चला रहे हो. सो मेक योर परचेज वेरी वेरी वाइजली, इन्वेस्ट इन दोज आइटम्स जो कि क्लासी हो एंड बहुत ज्यादा टाइम तक आपको चले, जो आउट ऑफ फैशन जल्दी ना जाए. एंड आई फील लाइक लूम हैज रियली नेल्ड द एस्थेटिक जो कि हम सालों साल तक चला पाएंगे. सो दैट इज माय मिनी स्टेप, वन वेरी स्मॉल स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबिलिटी, एंड थ्रू माय प्लेटफॉर्म शोइंग यू गाइस द ब्रांड्स दैट यू कैन इन्वेस्ट इन अगर आप सस्टेनेबली अपनी लाइफ लिव करना चाहते हो मेरी तरह, प्रोडक्ट ज्यादा होल्ड नहीं करना चाहते. सारे प्रोडक्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएंगे. लेट मी नो आपको इनमें से सबसे ज्यादा अच्छा कौन सा लगा गारमेंट मेरे ऊपर. अगर आप मेरा चेहरा पहली बार देख रहे हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो. आई अपलोड अ न्यू वीडियो एवरी ट्यूसडे एवरी फ्राइडे सुबह सुबह 11 बजे. यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम @ दैट क्विर्की मिस, एंड आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.